तो गाइस मैंने भी डाल लिया है और पीयूष ने भी डाल लिया है, अब होगी फाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज 10 बज गए और अभी भी हम उठे हैं। तो वैसे आज का प्लान है हमारा जाने का। यस, पीयूष बहुत जिद कर रहा था, लास्ट टाइम भी हम गए थे बट पीयूष नहीं था हमारे साथ में, तो पीयूष कह रहा है मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ। लेकिन अब की बार थोड़ा डिफरेंट वाला है और काफी बढ़िया वाला सुपर है, जहाँ पे मतलब ट्रैम्पोलिन पार्क टाइप का, तो वहीं पे जा रहे हैं फिलहाल। जल्दी से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद निकलते हैं। एंड थैंक यू सर इतनी खातिरदारी करने के लिए। बाहर बच्चे आवाज लगा रहे तेरे को। तो भी रेडी है, सारा सामान रेडी है हमारा, अब निकलते हैं। ठीक है, तो अभी गाइस हम निकल पड़े हैं और टाइम काफी लेट हो गया, 12 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं पीरो के पास, पीरो को पिक करते हैं और उसके बाद उनके साथ में चलेंगे। तो फाइनली पीरू ने ज्वाइन कर लिया हमको, अब निकलते हैं सीधा यहाँ से गुड़गांव। ये लगा दिया तूने? यहाँ से है 29 किलोमीटर, तो ये एक घंटा दिखा रहा है, तो 2 बजे तक पहुंचे हम। और पीयूष को जोर की लगी है। बाय द वे पीरू को हमने इसलिए बुलाया बिकॉज हमको कुछ डिस्कस करना था और कुछ मस्त सी चीज आने वाली है, 2 सरप्राइज आने वाले हैं। और कल तो हमको फिर निकलना है बॉम्बे के लिए, फिर तो हम आके मिलेंगे 20 को मिलेंगे। आप लोग हमको साथ में देखने में मजा आता है, तो हमने भी कुछ प्लान करा है मस्ती चीज। सो गाइस फाइनली अभी सुपर में पहुंच चुके हैं, ये देखो सुपर। अरे हाय मजा आ गया, उतर भाई जल्दी से। भाई कहाँ है सुपर? कुछ नया तो भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। तो भी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दिया। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो पीयूष दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे टिकट विकेट ले रहे हैं हम, फिर चलेंगे अंदर। ये वाला तो स्पेशली इसके लिए है, अब तो तेरी विश पूरी होगी। ये पता 2-3 दिन से ये बोल रहा था मुझे जाने। फिर उसका ग्रीन बैंड है, अपने अपने सॉक्स ले लो। लो पीयूष को येलो मिले हैं एंड हमको ब्लू मिले हैं। चलो चेंज करते हैं अब, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे खेलने के लिए। शूज उतार के हमको सारे यहाँ पे एक ही में डाल देना सबके शूज। तो भी सबने सॉक्स डाल लिए अपने अपने, तो चलो गेट खुल चुके हैं हमारे लिए। ये वाला पहले वाले से तगड़ा है और सुंदर भी है। बैक फ्लिप। ओ भाई ये क्या कर रहा है? अरे वाह हाँ, ये तगड़ा है भाई। ये आई थिंक इन्हीं के बंद। ओए कुछ भी, सीधा कूद गया सर, सीधा कूद गया। चीटिंग है भाई, चीटिंग। पीयूषी ओ भाई ये सही था। पीयूष का भाई बड़े सिर लग रहा है वहां पे। चढ़। ओ भाई हो गया, अब गिर गया। देखते हैं पीयूष पहुंचता नहीं पहुंचता ऊपर तक। 4, 5, 6 हाँ चल। अरे डर मत, चल। टाइट तो होगा ना वो। ओ भाई कूदा। ओ ये भाई तो फिर उसका मन नहीं भरा, ये देखो दोबारा से गया ऊपर। ओ भाई बस कर, मजा आ रहा है इसको। डर लग रहा है। कूदा। ओ भाई ये क्या चीज है, आई थिंक इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर घुसना होता है क्या? घुस। दो जने पहनेंगे और फिर मारेंगे एक दूसरे को। अच्छा फाइट करनी है, ओके। चल पीसी फाइट करें, मैं डालता हूँ। कैसा लग रहा है पीसी इसके अंदर? तो गाइस मैंने भी डाल लिया है और पीयूष ने भी डाल लिया है, अब होगी फाइट। पीयूष हार चुका है, अब साहिल डालेगा और साहिल और मेरे बीच में होगी फाइट। वही साहिल जीत रहा है।
अरे लड़ाई मत करो, मार खाएगी पीरू। पीयूष चल बैठ जा, ऐसे बैठना है। हाँ समझा, फोन कर दे। ओ गया 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 गया, ओ गया, ओ भाई ये मैं भी करूंगा। ये तो फोन गए वन फोन हो गया गया गया। अब इसमें चलते हैं, खड़ा नहीं होना, नीचे से जाना है। सो गाइस अभी पॉपआउट हो चुका है, अभी मैं वो वाले पे पता नहीं जंप कर रखा और दीवार पे लग के मेरा पैर मुड़ गया भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर बैठने के लिए कहा है मेरे को, तो फिलहाल निकलते हैं। तो फिलहाल अभी हम जूपर से आ चुके हैं, काफी ज्यादा मजा आया। पीयूष का पैर टूट गया, और टूट गया मतलब ऐसे मुड़ गया था। हाँ वही एक ही बात है, मुड़ गया, हम तो टूट गया बोलते हैं। और टूट गया तो फिलहाल अब चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। टाइम क्या हो गया, भूख लग रही है। 4:30 हो चुके हैं, सुबह 2 परांठे खाए थे बस, अब चलते हैं कुछ खाते हैं मस्त। तो गाइस वहाँ बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन मेरा पैर जो मुड़ा ना, इतनी तेज दर्द हो रही है ना अभी भी, जूते डाल के और हो रही है, लेकिन जब जूते नहीं डाले थे तब तक तो नहीं हो रही थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? पहली बार वाला है वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं आता भाई। पहली बार जब गए थे ना, कैसे कूदे जाते जाते ही कूदे थे, लेकिन अब की बार ना पता नहीं क्यों नॉर्मल सा लगा। मैं भी जाते ही कूदा भी। तो अभी हम आए मॉल में, यहीं पे कुछ खाएंगे। चलो इसको मैकडी चाहिए, उसको डोमिनोज चाहिए, आपको क्या चाहिए? दोनों में से चाख लूंगी। चाखना नहीं है ना, मैं कुछ रहता। तो साहिल भाग गया डोमिनोज के अंदर, एंड ये दोनों भाग रहे हैं मैकडोनल्ड्स में। मैं बाहर जाता हूँ, जाओ तुम, मैं साहिल के साथ जा रहा हूँ। उसको अकेले छोड़ दो तुमने, तो अकेले क्यों आ गया? मैं भी चीज बेस्ट खाऊंगा। कौन था चित्र को? एक कौन कर देना और एक तो अपना कर ले बस। तो अभी हमने साहिल की मानी है और पिज्जा खाने आए हैं, और पीयूष भी मान गया फाइनली। और पीयूष तो मानी हुई है, सबसे ज्यादा अच्छी बच्ची तो यही है। अच्छी बच्ची, हाँ बच्ची, मतलब इसको कोई नहीं है, इसको कुछ भी खिला दो भाई, सीखो कुछ सीखो। तो हमने 3 पिज्जा मंगाए थे, एक पनीर, एक कॉर्न और एक वेजी। तो अभी गाइस खा के हम बाहर आ गए, और एक प्रॉब्लम हो गई है, एक बैड न्यूज है कि हमारा मुंबई जाना कैंसिल हो गया, बिकॉज जो इवेंट था वो कैंसिल हो गया किसी कारण की वजह से। तो हाँ पोस्टपोन हो गया, कैंसिल तो नहीं, हमारी टिकट बुक है, होटल वगैरह सब बुक है, लेकिन इवेंट ही कैंसिल हो गया, तो मुंबई जाने का फायदा नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि अभी हम हल्द्वानी निकल लेते हैं, अगर अभी हम निकलेंगे तो रात को 1-2 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है पीरू, अपन मिलते हैं 19 या 20 को मिलते हैं, अपना काम मस्त, ठीक है मजा आएगा। तो अभी फिलहाल हम पीरू को यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ये मेट्रो से चली जाएगी, एंड हम यहाँ से सीधा निकलते हैं बाईपास। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है क्रिसमस ट्री, बुरा तो ही मानो घर तक नहीं छोड़ रहा, बताओ। एक्चुअली हम 3 घंटा लेट हो जाएंगे फिर। अरे हाँ यार, मुझे पता है। ठीक है बाय, ध्यान से जाना। ओके बाय। तो अभी अपनी फॉर्च्यूनर उठाते हैं और निकलते हैं सीधा हल्द्वानी। तो यहाँ से है 297 किलोमीटर, और दिखा रहे रात को हम 1 बजे पहुंचेंगे, 7 घंटे ड्राइव करनी है भाई। तो भी गाइस हमारे साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम होते होते बच गया। एक्चुअली सीन ऐसा था, कल हमको जाना था बॉम्बे इवेंट में, वहां पे गेमर फ्रेंड भैया को भी जाना था भाई, फोन किया कह रहे मैं तो हल्द्वानी जा रहा हूँ, मैं कह ले हमको बताया भी नहीं, और अभी दिल्ली है और हमको पता नहीं है। मैंने कहा मैं भी हल्द्वानी जा रहा हूँ मिलो, तो अभी उनको पिक करते हैं, साथ में हल्द्वानी जाएंगे, और उन्हें बताया तक नहीं। देख लो मैं उन्हीं की वजह से जा रहा था इवेंट में मुंबई, और उन्होंने हमको ही नहीं बताया। मस्त तो अपनी कैब में बैठे अभी कैब में बैठे, कैब छुड़वा के मैं अपने साथ लेके जाता हूँ उनको, और उनको मतलब दिल तोड़ दिया यार, उन्हें सच्ची बता रहा हूँ दिल तोड़ दिया। गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ, आगे बैठो। मतलब मैं बताऊँ आप पे ना एक खतरनाक वाला विश्वास था, वो टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि आपने फोन नहीं किया मुझे कि मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ। तो मैं आपके बिना मैं मुंबई नहीं जाता, मैं आपके लिए जा रहा था, आपके साथ ही जा रहा था, मेरे को और किसी से कोई लेना देना नहीं है। हंस रहे फिर भी। सच्ची में बताओ, फोड़ दे भाई यार, सॉरी ना भाई, नहीं सॉरी, सॉरी ना भाई, सॉरी नहीं, सॉरी ना भाई, सॉरी भाई, सॉरी यार भाई, मेरे को कैसे पता होगा कि आप भाई मेरे को बताओ। मैं कल वहाँ पहुँचता, मैं इवेंट में जाता, मैं देखता यार भाई, मैं तो आ जाता भाई, मैं आप बोल अच्छा हल्द्वानी जाते, कैसे भी आता भाई, मैं हल्द्वानी से आया था रात रात में, तो हो जाता इवेंट पूरा, इवेंट पूरा हो जाता फिर, लेकिन मैं आ जाता मुंबई फिर भी भाई, मतलब कुछ भी हो जाए मुंबई आ जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। ये देखो दोनों के दोनों रो रहे हैं। तो भी रात के 10 बज चुके हैं और हम रुके हैं बीकानेर वाले पे, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, फिर चलेंगे नॉन स्टॉप सीधा हल्द्वानी। तो भाई का पर्स खो गया भाई, डराओ मत यार, गाड़ी के अंदर होना चाहिए। देखो खोल के देखो, बटन दबा, बटन दबा, बटन दबा, ओ भाई बोल रहा था ना, बच गया भाई, गिर सकता था यहाँ। कुछ फाइनल किया क्या खाना है? गोलगप्पे
रात को 10 बजे गोलगप्पे। ठीक है भाई, शौक है। चल मैं भी खाता हूँ यार, गोलगप्पे खाते हैं। ओ भाई ये कैसे गोलगप्पे हैं? मीठा मीठा बना दो भैया, यार सुन ही नहीं रहे। भाई मेरे को तीखा देना भाई। ओ भाई, तो साहिल अपने डोसा ले आए एंड ये अपने पानी पूरी। भाई तीखा पानी दे दो भाई, तीखा मजा आ जाए। मुंह खोलिए भाई, मस्त हो रहे हैं यार। तो हमने पिज्जा खा लिया था ना, मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही, थोड़े से बस गोलगप्पे खा लेंगे। देख पैकेट खत्म हो गया तो पैकेट पैकेट और ले, सस्ता मिल जाएगा। पानी तो पड़ा ही है, पैकेट पैकेट ले, बोल पैकेट पैकेट दे दो मेरे को। तो हमारा एक और आ चुका है, नीला पैकेट आटे वाला ले गया, पता नहीं पिछले। हाँ मेरे को भी आटे वाला पसंद। और मीठे में हमने मंगाई है रस मलाई। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, मस्त फोटोज लेते हैं और फिर निकलते हैं सीधा हल्द्वानी। तो भी फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। yes. और टाइम हो गया है 1:23। तो पहले गेमर फिट भैया को छोड़ते हैं उनके घर और फिर चलते हैं हम अपने घर। लव यू भाई। लव यू क्या? लव यू क्या होता है? हम कल मुंबई होते और ये हल्द्वानी होते। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ। रात के 1:30 बजे हल्द्वानी की सड़कें सुनसान। इस रोड पे पहली बार भगा रहा हूँ मैं इतनी ज्यादा, देखना 80 पे। ये मेन नैनीताल वाली रोड है। तो अभी भैया को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो अभी हमारी सोसाइटी पहुँच गए लेकिन गेट बंद पड़ा है। नमस्कार जी, नमस्कार। सॉरी रात को परेशान करने के लिए। गाड़ी कहाँ लगाऊं, गाड़ी कहाँ लगाऊं, सामान इसी में रहने दे अभी, बस मेरा लैपटॉप का बैग दे दे। हाँ बस ये चाहिए, अपने एडिटिंग करनी है ना, बाकी सामान पड़े रहने दो। बुलाओ, ओरियो भोकेगा भाई, ओरियो भोकेगा। तो पीयूष चढ़ के जा रहे हैं। तो टाइम हो रहा है 1:46। ओलू सौदा आ गए हैं। ओ अम्मा सो गए थे, प्रणाम। ठीक हो? आजा। क्या हुआ? तो फाइनली हम अपने घर हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और 2 बजने वाले हैं। तो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था वापस हल्द्वानी आने का। अगर आज भी रुक जाते ना वहाँ पे फिर और लेट होते, कल का दिन भी वेस्ट हो जाता। तो अब बढ़िया है, 2 बजे पहुंच के सही है। मैं तो एडिटिंग करूंगा, ये दोनों सो जाएंगे आराम से अपना। तो अभी 3:30 बज चुके हैं, एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। ये वाला पार्ट एड करके डाल देंगे, अब सही चैन की नींद सोऊंगा। एडिटिंग नहीं होती ना फिर नींद नहीं आती अच्छे से। अब जब सुबह लेट उठूंगा तो चलेगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। बाकी आपने देखा इवेंट कैंसिल हो गया, इसलिए मुंबई जाना कैंसिल हो गया और फिर हम यहीं पे आ गए। तो काफी मतलब अच्छा था जो भी था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या हुआ? अच्छा ये गरिमा मुझे क्या पता सब्सक्राइबर होगी कोई। अबे यार हंसो मत यार। अरे सब्सक्राइबर होंगे ना। कब तो चल रहा है भाई। हाय सब्सक्राइबर्स।